आज हम बात करेंगे सोलर पैनल के ऊपर। और दोस्तों ये बहुत अच्छा सोलर पैनल है, अगर आपके घर पे अगर कभी अगर आपकी बाइक की बैटरी चार्ज करनी हो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास स्प्लेंडर की बैटरी है। और दोस्तों अगर आपका चार्जर खराब हो गया या बिजली नहीं है या आपके पास लाइट की सुविधा नहीं है, तो आप इस सोलर पैनल की मदद से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको ये पूरी वीडियो के अंदर बताएंगे कि इसको चार्ज करने का कैसे जल्दी से चार्ज कर सकते हैं और इसकी फिटिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये देख पा रहे होंगे हमारे पास एक अभी मल्टीमीटर है और इसको हमने 20 पे सेट कर लिया है। दोस्तों जैसे कि अभी ये आपका ये ऑफ है तो आप इसको 20 पे ले जाइए। तो अभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स अभी दोस्तों ये देख पा रहे होंगे कि सिर्फ ये 29 बता रहा होगा, 29-28 बता रहा होगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये बैटरी बिल्कुल डेड पड़ी हुई है और अभी इसको हम चार्जिंग के लिए तैयार कर रहे हैं और चार्जिंग के लिए लगाएंगे। वायर होती है जो कि एक माइनस और एक प्लस में जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको मैं आपको, आप बैटरी का नंबर देख सकते हैं, कल को आप ये ना बोलें कि ये दूसरी बैटरी है। ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स लास्ट में है 607, आप नोट कर लीजिए। और अभी इसको हम थोड़ी देर बाद आपको चार्ज करके दिखाएंगे, फुल चार्ज होगी ये 1280। इसकी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक डब्बी होती है जिसकी दो तारें निकली हुई होती हैं, एक माइनस और एक प्लस। तो दोस्तों आपको इन दोनों से बैटरी से कनेक्ट कर देना है और एक ये बेहतरीन तरीके से आपकी बैटरी चार्ज करेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसको अभी चार्जिंग करने के लिए और फिर मिलते हैं दोस्तों चार्जिंग होने के बाद। तो दोस्तों ये जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बैटरी काफी देर से चार्जिंग पे लगी हुई है और इसको हम चार्ज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसको देखते हैं कि इसकी चार्जिंग हुई कितनी है और इसकी कितनी रीडिंग आ रही है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसा कि अभी ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारी बैटरी अभी रीडिंग भी आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर के अंदर। तो फ्रेंड्स ये बैटरी काफी चार्ज हो चुकी है और अभी थोड़ा सा बस इसको चार्ज हो जाएगा, 5-10 मिनट में अभी पूरी चार्ज हो जाएगी। वैसे 1285 होती है, 1270 1250 भी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक काम करती है। तो दोस्तों ये इसी तरीके से आप बैटरी को बिल्कुल आसानी तरीके से चार्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी हम इसको चार्जिंग थोड़ी सी अभी ज्यादा हमने फ्रेंड्स इसको आधा घंटा लगाया होगा तो ये पूरी चार्ज हो गई है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।